स्टूडेंट, दिस इज योर मैथ बुक एंड इन टुडे क्लास वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8.10। इन लास्ट क्लास वी डिड द वन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर ए, द कॉस्ट ऑफ वन स्टोरी बुक इज ₹45। What will be the cost of 16 such books? एक स्टोरी बुक है, उसका जो कीमत है वो ₹45 है, और वैसी ही 16 सेम ऐसी जो बुक्स हैं, सच बुक्स मतलब जैसी सेम है, कॉस्ट मीन्स हो जाएगा कीमत, तो उनकी कीमत क्या होगी। तो इसको एक का बताया है और एक से ज़्यादा का पूछा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब भी एक का बता के एक से ज़्यादा का पूछा जाता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आपका 8.10 है और वर्ड प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है और ए हम करेंगे। ठीक है, इसका ए पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कॉपी में हम क्या करेंगे, इसका स्टार्टिंग का द कॉस्ट लिख लेते हैं, डैश डैश डैश, लास्ट का लिख लेंगे बुक्स। अब सॉल्यूशन है, कॉस्ट ऑफ वन स्टोरी बुक इज कितने है, ₹45। अब हमें कितना और पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ 16 सच स्टोरी बुक्स, तो कितना हो जाएगा, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। सिक्स का टेबल हम रीड करेंगे 5 टाइम। ठीक है, तो सिक्स का टेबल रीड करिए। यस, 6 5 30, 30 का हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, 3 कैरी के लिए फॉरवर्ड करेंगे हम। अगेन 6 का टेबल रीड करेंगे 4 टाइम, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 24 में 3 प्लस करिए। यस, 24 में 3 प्लस किया, कितना है 27। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं लिखना होता है, इसके लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे जिससे कोई मिस्टेक ना हो। अब 1 का टेबल रीड करेंगे 5 टाइम, 1 5 5, 1 4 4, जो हमने सॉल्व किया है इसको हम अब ऐड करेंगे। 0 में 0 प्लस करेंगे 0 आएगा, 7 प्लस 5 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 जो कैरी आया है उसको ध्यान में रखेंगे या कहीं अलग लिख लेंगे, और 2 को 4 से प्लस करेंगे 6, और जो 1 कैरी आया था इसको ऐड कर दिया, 7 हो गया। ठीक है, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें आंसर आया 720। ये हो गया 16 जो आपकी बुक्स हैं उनका कीमत। तो आंसर द कॉस्ट ऑफ 16 स्टोरी बुक्स, 16 स्टोरी बुक्स का कॉस्ट क्या है, बुक्स इज ₹720। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे।
देयर आर 81 बीड्स इन आ नेकलेस. एक नेकलेस है यानी गले का हार, उसमें 81 बीड्स मोती लगे हुए हैं. हाउ मैनी मीन्स होता है कितने, हाउ मैनी मीन्स कितने बीड्स मोती विल बी देयर इन 21 सच नेकलेस. तो कितने मोती होंगे ऐसे ही 21 नेकलेस, जो गले का हार है उसमें 21 गले के हार के जो माला है उसमें कितने मोती होंगे. तो एक का बताया है, हमें पता है कि मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर आपको नहीं, जैसे एग्जाम में आ गया तो कैसे पता लगाएंगे, आपको ऐसे ही पता लगाना है. ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ कि एक का बताया है और एक से ज्यादा का पूछा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. नेकलेस अब सॉल्व करेंगे हम, तो हम यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ बीड्स, नंबर ऑफ बीड्स इन आर नेकलेस. एक नेकलेस में कितने बीड्स हैं, तो कितने बीड्स हैं, यस 81. अब हम इसमें पता लगाएंगे नंबर ऑफ बीड्स इन 21 सच नेकलेस. तो हम 81 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से. ठीक है, तो 81 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं. 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1 1 8 जा 8, यहाँ पे 0 लिख देंगे, 2 का टेबल 1 टाइम रीड करना है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. अब 1 यहाँ पे हम प्लस करेंगे, 1 को 0 से प्लस किया 1 आएगा, 8 को 2 से किया 10, 10 का 0 आएगा, 1 कैरी के लिए जाएगा, 6 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो जो 1 आया था उसको हम ऐड कर लेंगे, 7 हो जाएगा, 1 के ऊपर कोई भी डिजिट नहीं है तो 1 का 1 आ जाएगा. तो आंसर क्या है आपका, 1701. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देयर आर 1701 आर, यहाँ पे लिखना रह गया, देयर आर 1701 बीड्स इन 21 नेकलेस. ठीक है, अब नेक्स्ट जो कॉस्ट है इसका वर्ड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके.